कर्नाटक। बेंगलुरु में गांधी जयंती के दिन मांस बिक्री पर पाबंदी, बीबीएमपी ने जारी किया आदेश। मुंबई कांदिवली में बाइक सवार दो बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, एक की मौत, तीन घायल। हिमाचल प्रदेश शिमला के छराबड़ा में आज सुबह सेब से लदे ट्रक के पलट जाने से एक कार में सवार तीन लोगों की मृत्यु हो गई। ट्रक के चालक को मामूली चोटें आई हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात वलसाड में मोतीवाड़ा गांव के पास NH-48 पर एक कंटेनर में आग लग गई। 5 फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने कंटेनर से शैंपू और इत्र की बोतलें लूट ली। वाराणसी में पेट्रोल पंप के मालिक को अगवा करने की कोशिश, तीन आरोपी हिरासत में। उत्तरी कश्मीर गुरेज सेक्टर में 7 AK-47 राइफल समेत हथियारों का जखीरा बरामद, LOC पर चला तलाशी अभियान। बम का खतरा, CM आवास पर आधी रात फोन करके वाराणसी कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी, सब्जी वाला हिरासत में। श्रीलंका IMF के ऐलान के बाद भी श्रीलंका की हालत खराब, 7वें आसमान पर महंगाई। पाकिस्तान बलूचिस्तान के भीड़ भाड़ वाले बाजार में बम धमाका, एक की मौत, 20 से ज्यादा घायल। दो हाईकोर्ट दो फैसले, कर्नाटक में BBMP चुनावों में OBC महिला आरक्षण रद्द, तमिलनाडु में RSS को मार्च की इजाजत। गुजरात वडोदरा में नवरात्रि के 5वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने वडोदरा नवरात्रि उत्सव में गरबा खेला। भारत में पिछले 24 घंटों में 3,805 नए कोविड मामले सामने आए और 5,069 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 38,293। दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में हो रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज और आगाज लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, इस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में आज की तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। कर्नाटक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 24वें दिन की शुरुआत बेगूर चामराजनगर से की। महाराष्ट्र मुश्किल में फंसे NCP नेता छगन भुजबल, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज।